नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने सीप्री रिपोर्ट तक के लिए आप सभी लोग को पढ़ा दिया था। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा मार्च 2022 में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल शीर्ष वाली वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई, जो राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 है। और इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देख लें तो भारत का स्वतंत्रता स्कोर बोलीविया, हंगरी और अल्बानिया के समान है। सबसे ख़राब स्कोर करने वाले देश में दक्षिण सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया और उत्तर कोरिया शामिल हैं। रिपोर्ट के विषय में कुछ जानकारी ये भी है कि रिपोर्ट को तैयार करने में 25 संकेतों का प्रयोग किया गया, जिन्हें राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की श्रेणी में बांटा गया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि देश या क्षेत्र की सभी स्थिति स्वतंत्र, आंशिक रूप से स्वतंत्र या स्वतंत्र नहीं है। FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने का निर्णय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं FATF की रिपोर्ट क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल सत्र 1-4 मार्च 2022 को पेरिस में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर ने की। इसमें दुनिया भर के 200 से अधिक सदस्यों और पर्यवेक्षक संगठनों ने हिस्सा लिया था। बैठक में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि बैठक में FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है FATF की बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है और ईरान और उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट देख लेते हैं, आइए, इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट को देख लेते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण मार्च 2022 में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में स्वीडेम वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी संस्था द्वारा जारी किया गया है। इस अध्ययन रिपोर्ट का शीर्षक लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 की निरंकुशता की बदलती प्रकृति। आइए सूचकांक में, सिर्फ 5 उदार लोकतंत्र सूचकांक वाले देश में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड है। भारत का प्रदर्शन इसमें जान लेते हैं क्या है। भारत का प्रदर्शन, यह रिपोर्ट भारत को एक चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत करता है, जो LDI पर 179 देशों में से 93 स्थान पर भारत की स्थिति है। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया है भारत दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में से एक है। इसमें एक पॉइंट ये भी है, भारत इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में और नीचे गिरकर 100 पर आ गया है और डेलीवरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स पे 102वें स्थान पर है। चलिए, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के करीब सहयोगी कैटलिन नोवाक को 9 मार्च 2022 को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। कैटलिन हंगरी के साथ साथ यूरोपीय संघ की भी पहली महिला राष्ट्रपति है। कैटलिन, ध्यान रखना आपको, कैटलिन नोवाक यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं और हंगरी की महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोगों का, रूस यूक्रेन युद्ध खतरनाक मोड़ पर, संपूर्ण विश्व पर संकट के भी बादल। हालांकि इस विषय में हमने आप लोगों को पूरा बता दिया है और काफ़ी हद तक पूरी करंट अफेयर हमने इसमें क्लियर कर दी थी आपको, एक बार हम फिर से क्लियर कर देना चाह रहे हैं। बता दें, रूस ने यूक्रेन से युद्ध करने की घोषणा 24 फरवरी 2022 को की। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। आपको बता दें, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा की पहली उड़ान पूरी हुई थी रोमानिया से मुंबई तक के लिए, जिसमें 219 छात्रों को वापस लाया गया था। ठीक है, और किस देश ने यूक्रेन के डोनेट्स और लुहांस को स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी थी, तो रूस ने मान्यता दी थी। चेर्नोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कब घटित हुआ था, 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल
पावर स्टेशन किस देश में है ये आपको बता दें, यूक्रेन में। यूक्रेन की सीमा साझा करने वाले देशों का क्रम कुछ इस प्रकार है, रूस जिसकी राजधानी मास्को है, बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है, पोलैंड जिसकी राजधानी वारसा, स्लोवाकिया जिसकी राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, रोमानिया जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है, यूक्रेन और जिसकी राजधानी कीव है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इसमें जो आपको जानने चाहिए थे, महत्वपूर्ण है। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। स्विस और इसकी मूल कंपनी लुफ्थांसा समूह ने अपने सौर ईंधन का प्रयोग करने के लिए सिंथेटिक ईंधन समूह सिनहेलियन के साथ भागीदारी की। इस साल जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य के जुलीच में औद्योगिक उत्पादन के लिए दुनिया का पहला प्लांट बनाया जाएगा। 2023 में स्विस और सौर मिट्टी के तेल का पहला ग्राहक होगा। स्विस एयरलाइंस के विषय में जान लेते हैं। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस एजी, जिसे स्विस या स्विस एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता है, यह पूरे यूरोप के साथ साथ एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में अनुसूचित सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वाड नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ भी सकता है। क्वाड में कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन 3 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसस और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वाड जो शिखर सम्मेलन है उसमें भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया ये देश हैं। इस बैठक में क्या किया गया था? इस बैठक में यूक्रेन के घटनाक्रम पर चर्चा की गई, जिसमें इसके मानवीय प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने बातचीत और कूटनीति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। अगर इसमें एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात कर लें, नेताओं ने आपसी संपर्क और जापान में आगामी शिखर सम्मेलन के महत्वाकांक्षी एजेंडा की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त भी की है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दुबई की इन्फिनिटी ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया दुबई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में बहुप्रची इन्फिनिटी ब्रिज पहली बार यातायात के लिए खोला गया 16 जनवरी 2022 को। यह नया ब्रिज पुल अल सिंदाघा सुरंग के बगल में दुबई क्रीक पर निर्मित किया गया। यह पुल डेरा और बर दुबई को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। मिस्र जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में 29 दिसंबर 2021 को शामिल हुआ है। इसमें तीन और देश है, बांग्लादेश, यूएई और यूरोपीय देश सितंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में देखते हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ने 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया। इसके अंतर्गत सूचकांक में भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में 43वें स्थान पर पहुंचा है। 2021 में यह स्थान भारत की जो 40वां थी। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 43वें स्थान पर है 50 देशों में। ठीक है, सबसे पहले पे अमेरिका है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूके ने स्विफ्ट से चुनिंदा रूसी बैंकों को हटाने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं इस पॉइंट को भी। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के विरोध में 26 फरवरी 2022 को अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए उसके कुछ बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया है। साथ ही उसकी $63,000 करोड़ की संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है आपका इम्पॉर्टेंट है वो स्विफ्ट के विषय में, आइए देखते हैं। स्विफ्ट का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है और यह एक स्वतंत्र उद्यम है जो बेल्जियम में स्थित है। स्विफ्ट भारत सहित 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए लगभग 11,000 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच एक आंतरिक संचार तंत्र के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। ठीक है, 2022 का नहीं है, 2021 का देख लेते हैं। जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के 180 देशों की क्षेत्रों की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 नामक रिपोर्ट 25 जनवरी 2021 को जारी की गई है। विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति के संदर्भ में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI का मानक 0 से 100 के बीच रहता है। इस सूची में अगर
बात कर लें तो भारत की जो स्थिति है, आइए देखते हैं दोस्तों। बताते हैं इस सूची में जो भारत का स्थान है वो 86 स्थान से करके 85वां स्थान पर आ गया है, और सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश में पहली सूची में है डेनमार्क है, और टॉप 10 में जर्मनी है, ठीक है। और सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले देश की सूची में सबसे पहले दक्षिण सूडान है, ठीक है। तो ये थी 180 देशों में 180 नंबर पे दक्षिण सूडान है, और पहले पे डेनमार्क है, और भारत की जो स्थिति है वो 85वें ही रैंक पर है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पॉइंट जो है तुर्की का नाम अब तुर्किये हुआ है, ठीक है। तुर्की का नाम बदल करके तुर्किये हुआ है। जनवरी 2022 की शुरुआत में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन ने एक विज्ञप्ति जारी कर देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को तुर्की से तुर्किये से बदलने की घोषणा की है, ठीक है। वैसे देखिए, टर्किश भाषा में तुर्की को तुर्किये कहा जाता है। 1923 में पश्चिम देशों के कब्जे से आज़ाद होने के बाद तुर्की को तुर्किये नाम ही जाना गया है। हिल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, हिल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की बात कर लेते हैं। जनवरी 2022 में जारी हिल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में 2021 की तुलना में भारत की पासपोर्ट शक्ति में सुधार हुआ है। अब यह हिल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें स्थान पर है, 83 स्थान पर, जो कि भारत की स्थिति है हिल्ले पासपोर्ट रिपोर्ट में। यह पिछले साल 90 स्थान पर थी और अब 83वें स्थान पर है। सूचकांक में जापान और सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पर हैं, जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर शामिल हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। 2021 का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सूचकांक 8 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। इस सूचकांक का विकास न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा किया गया है। सूचकांक में 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन और बेंचमार्किंग की गई है। सूचकांक में भारत को 42.8 स्कोर प्राप्त हुआ है, जो 2019 की तुलना में 0.8% कम है। वहीं उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने अपने स्कोर में 1 से 1.2 अंकों का सुधार भी किया है। पहले स्थान पर इस देश में भारत है, और इसमें रैंक अगर देख ले तो 66वें स्थान पर, पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है और 66वें रैंक पे भारत है। कनाडा में 50 वर्षों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू किया गया है। 14 फरवरी 2022 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने देश में इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया। टूडो ने यह कदम कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों के खिलाफ उस समय चल रही ट्रक ड्राइवरों की नोकबंदी और विरोध को संभालने के लिए संघीय सरकार को अतिरिक्त अधिकार देने के लिए उठाया था। कनाडा में 50 वर्षों में पहली बार यह इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम में ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर संवेदनशील जीव घोषित कर दिए गए हैं। नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऑक्टोपस और क्रैब को लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया, जिसका अर्थ है कि इन जीवों में कुछ मात्रा में चेतना होती है जिससे वे दर्द और पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे ब्रिटेन की सरकार ने मान्यता दी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य देश बना है। आइए देखते हैं, करिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर 4 जनवरी 2022 को हस्ताक्षर करके 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला इजराइल पहला देश बना है। फरवरी 2022 में इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। आइए देखते हैं, इजराइल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मिस स्टाइलाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया गया था, जो इजराइल रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलविट सिस्टम्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक कहाँ पे बनाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज्मुइडेन में जनवरी 2022 किया गया। समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है नुनस्तारा। आइए देखते हैं, इसको हमने ऊपर भी डिस्कस एक बार कर दिया था। 19 जनवरी 2022 को दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया की संसद द्वारा देश की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने की मंजूरी के बाद अब नई राजधानी नुनस्तारा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, WHO ने लॉन्च किया तंबाकू छोड़ो ऐप। WHO ने लॉन्च किया तंबाकू छोड़ो ऐप। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र ने 15 फरवरी 2022 को तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, डेलाइट की 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फरवरी 2022 में जारी डेलाइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार भारतीय व्यवस्था जलवायु निष्क्रियता के जोखिमों को स्वीकार करते हुए जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में 21 देशों में 5वें स्थान पर रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन पर IPCC की रिपोर्ट क्या कहती है। 28 फरवरी 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की क्लाइमेट चेंज 2022 इंपैक्ट एडॉप्शन एंड वल्नरेबिलिटी शीर्षक से जारी IPCC रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और बाढ़ तथा सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस द्वारा माली से सैन्य वापसी का निर्णय। देखते हैं क्या है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने 19 फरवरी 2022 को घोषणा की है कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे। ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन 2013 में चला था? ऑपरेशन सर्वल। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र सूचकांक। आइए सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विभिन्न देशों में शासन में लोकतंत्र की स्थिति के मूल्यांकन हेतु लोकतंत्र सूचकांक की गणना ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट EIU द्वारा वर्ष 2021 के लिए 9 फरवरी 2022 को जारी की गई, जिसमें 167 देशों के लिए लोकतंत्र सूचकांक का आकलन किया गया है। आइए इसमें देख लेते हैं सूचकांक की जो रिपोर्ट, उसमें भारत की स्थिति क्या है। अगर भारत की स्थिति देखें तो इसमें 46वें रैंक पे भारत है। ठीक है, 46वें रैंक पे भारत है और पहले रैंक पे इसमें नॉर्वे को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 COP26 के साथ साथ 11 नवंबर 2021 को जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से संकलित वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 का 18वां संस्करण ये जारी किया गया है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। 2020 में भारत की स्थिति भी 10वें स्थान पर ही थी और 2021 में ये स्थिति भी 10वें स्थान पर बनी रही। और आइए नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। आइए, नवंबर 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 के पहले संस्करण में भारत 30 देशों में 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट है इसमें जो आप सभी लोग की नेक्स्ट हेडिंग है, COP26 जलवायु सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम द्वारा 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक आयोजित COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। इस वर्ष पक्षकारों ने इस 26वें सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो के स्कॉटिश इवेंट कैंपस में किया है। ठीक है, सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा ने की है। ठीक है, ग्लासगो समझौते के प्रमुख बिंदु हैं कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के प्रावधान पर विवाद, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और गरीबी देशों को धन उपलब्ध कराने को लेकर सरकारों के साथ 2 हफ्ते के कड़े विमर्श के बाद जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अहम ग्लासगो समझौता 13 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हम आप सभी लोगों का देखते हैं, G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन।
G20 ग्रुप ऑफ 20 सदस्य देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2021 को रोम इटली में आयोजित किया गया। सम्मेलन इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी की अध्यक्षता में हुआ। शिखर सम्मेलन का समापन G20 नेताओं द्वारा रोम घोषणा को अपनाने के साथ हुआ था। शिखर सम्मेलन का एजेंडा और मोटो इस प्रकार है, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आसियान का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन आसियान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, 26 अक्टूबर 2021 को आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्षों का 38 और 39वां संयुक्त अधिवेशन ब्रुनेई के दारुसलाम में आयोजित किया गया। कहाँ पे? ब्रुनेई के दारुसलाम में। 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन आइए देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से 18वें आसियान शिखर सम्मेलन जो है भाग लिया, या 9वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप सभी लोगों का है 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है, ठीक है। 16वें IAS की मेजबानी ब्रुनेई की अध्यक्षता में की गई। यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए 7वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन रहा है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021। तो जी हाँ दोस्तों, चार भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की अक्टूबर 2021 में आखिरी सप्ताह में जारी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में जगह बना ली है। तो दोस्तों देखिए, इसमें प्रतिष्ठा रैंकिंग में देखिए शीर्ष 200 में से शामिल तीन भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। नेक्स्ट है पॉइंट आप सभी लोगों का, WHO ग्लोबल TB रिपोर्ट क्या कहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 के लिए ग्लोबल TB रिपोर्ट 14 अक्टूबर 2021 को जारी किया। रिपोर्ट में COVID-19 के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया, जिसके कारण तपेदिक TB उन्मूलन की प्रक्रिया में भारी उलटपेट देखने को मिली है। रिपोर्ट में भारत को TB उन्मूलन सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में उल्लेखित किया गया, जहां 2020 में नए TB मामले का पता लगाने में भारी प्रभाव पड़ा है भारत में। और वर्ष 2019 और 20 के बीच TB के नए मामले की दर संख्या में गिरावट मुख्यतः इन देशों में देखी गई, भारत में 41%, इंडोनेशिया में 14%, फिलीपींस में 12%, चीन में 8% देखी गई है। विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, आइए देखते हैं, 10 अक्टूबर 2021 को जर्मन रेल ऑपरेटर ट्यूसबान और औद्योगिक समूह सीमेंस ने हैम्बर्ग शहर में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को लंदन में जारी 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए सिर्फ 10 देशों की सूची में भारत का स्थान इसमें 9वें स्थान पर भारत है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आप सभी को वर्ल्ड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। विश्व न्याय परियोजना द्वारा 15 अक्टूबर 2021 को जारी कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत 139 देशों के क्षेत्राधिकारों में से 79 स्थान पर विराजमान है। नेक्स्ट है पॉइंट आप सभी लोगों का, 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, आइए देखते हैं। कंसल्टिंग फर्म अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, ठीक है। इस देश इसमें अगर देखें भारत की जो स्थिति है वो तीसरे स्थान पर अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल है, ठीक है। वहीं जहां इंडेक्स में अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के विषय में आइए जानते हैं। प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टेंट ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का 13वां संस्करण 19 अक्टूबर 2021 को जारी किया है। तो भारत का इसमें 43 देशों में 40वें पे स्थान बरकरार है। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्स को चुना गया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021। वैक्स वर्ड मीनिंग है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए कोरोना टीकाकरण से जुड़े शब्द वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर नवंबर 2021 में
चुना गया। यह शब्द पिछले वर्ष की तुलना में 72 गुना अधिक बार प्रयोग हुआ है। वैक्स लैटिन शब्द वैका से लिया गया जिसका अर्थ गाय होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। वैक्स मतलब गाय होता है, वोका से लिया गया है। 2021 के लिए डिक्शनरी वर्ड चुना गया है इसको। तो दोस्तों यही था वीडियो। अब इसके बाद हम आप सभी लोगों को जो कंटेंट पढ़ाएंगे वो कंटेंट है करंट अफेयर में आप सभी लोगों का केंद्रीय बजट 2022-23 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।